रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वरुण ने रेशमा को खूब समझाया, मगर ये तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसा था। वो वरुण की बात को नजरअंदाज करते हुए रोजाना जंक फूड खाने लगी थी। कुछ दिन और बीतते गए और एक बार फिर रेशमा के पेट में जोरदार दर्द हुआ और वो चिल्लाने लगी। हाय वरुण, वरुण, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। रेशमा 12वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई करने दिल्ली आ जाती है और एक पीजी में रूम लेकर अपनी सहेली रश्मिका के साथ रहने लगती है। रेशमा एक देहाती लड़की थी और रश्मिका एक शहरी लड़की थी। रश्मिका को बाहर का खाना खाने का बहुत शौक था। वो अक्सर पिज्जा, बर्गर, फ्राइज जैसी चीजें खाती रहती थी। धीरे धीरे उसने रेशमा को भी इन सब चीजों का चस्का लगा दिया था। रेशमा भी अब बाहर का खाना ही खाती। घर के खाने से उसे जैसे नफरत होने लगी थी। एक दिन सुबह सुबह अचानक रेशमा के पेट में दर्द उठता है और रेशमा चीखने लगती है। रश्मिका, और रश्मिका, जरा इधर आओ। हाँ रेशमा, रुको, बस 5 मिनट में आई। रेशमा का दर्द और बढ़ जाता है और वो और भी तेज चिल्ला कर बोलती है। ए, ए माँ, रश्मिका जल्दी आओ, यहाँ दर्द के मारे मेरी जान निकले जा रही है और तुम पता नहीं कौन से कामों में लगी हो। रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी नींबू पानी लेकर आती हूँ। शायद कल काफी मसालेदार खाना खाने की वजह से तुम्हारा पेट गड़बड़ हो गया है। तुम बस 1 मिनट रुको, मैं बस अभी आई। ऐसा कहकर रश्मिका जल्दी से उसके लिए नींबू पानी लेकर आती है और रेशमा उसे पी लेती है, मगर फिर भी उसे आराम नहीं होता और वो चिल्लाती है। रश्मिका, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, हाय हाय, मैं तो मर गई। रेशमा की चीखें सुनकर रश्मिका उसे फटाफट हॉस्पिटल लेकर जाती है और इमरजेंसी वार्ड में दाखिल करवाती है, जिसके बाद वो वेटिंग रूम में डॉक्टर के आने का इंतजार करती है। और कुछ ही देर में डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं, देखिए रश्मिका जी, आपकी सहेली रेशमा की तबीयत काफी सीरियस है। उनके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सेमी डाइजेस्टेड फूड अटक गया है और ये फाइबरलेस फूड काफी खतरनाक है। क्या आप बता सकती हैं कि उन्होंने कल रात को क्या खाया था? डॉक्टर साहब, कल हम एक पार्टी में गए थे जहां हमने काफी सारा जंक फूड और मसालेदार खाना खाया था। देखिए, प्रॉब्लम को अच्छे से आइडेंटिफाई करने के लिए हमें काफी सारे टेस्ट करने होंगे। आप डॉक्यूमेंट्स पर अपने सिग्नेचर कर दीजिए और ये कुछ दवाइयां हैं, ले आइए जल्दी से। रश्मिका जल्दी से सिग्नेचर करती है और दवाइयां ले आती है। कुछ देर बाद डॉक्टर फिर से आकर बोलते हैं, रेशमा जी अब खतरे से बाहर है, थोड़ी ही देर में उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अब आपको उनका खास ख्याल रखना है, उन्हें बाहर के खाने से दूर रखना है, वरना उन्हें पाइल्स का भी खतरा हो सकता है। और दवाई टाइम पर देनी है और कोर्स खत्म होने के बाद एक बार चेकअप जरूर करवाना। आप पेमेंट करने के बाद उन्हें ले जा सकती हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि मेरी सहेली ठीक हो गई। रश्मिका पैसे जमा करवा के रेशमा को पीजी ले आती है और उसे बाहर का खाना ना खाने की नसीहत देती है, मगर उसे खुद बाहर के खाने की लत थी, इसीलिए उसने एक पिज्जा ऑर्डर किया और खाने लगी। वो अक्सर रेशमा को बाहर का ना खाने की कहती और खुद ही बाहर का खाने लगती। ऐसे ही कई दिन तक चलता रहता है। रेशमा भी अब वापस बाहर का खाने लगी थी। दिन बीतते गए और अब उन दोनों की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। दोनों अपने अपने घर आ जाती हैं। रेशमा के घर में उसके रिश्ते की बात चलने लगी थी और उसकी शादी वरुण नाम के एक नौजवान से हो जाती है। वरुण एक काफी मेहनती लड़का था, इसीलिए अक्सर उसे ऑफिस की पार्टीज में इनवाइट किया जाता था। वरुण और रेशमा साथ साथ पार्टी में जाते थे और रेशमा काफी सारा जंक फूड खा लेती थी। एक दिन वरुण उसे टोक कर बोलता है, यार ये बाहर का ऑयली खाना कितना हार्मफुल होता है बॉडी के लिए, पता है कुछ तुम्हें? आप है ना मुझे बताने के लिए। देखो रेशमा, तुम्हें किडनी स्टोन हो जाएगा या फिर हार्ट इंजरीज भी हो सकती हैं। मैं तो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए पार्टी में आता हूँ। वरुण ने रेशमा को खूब समझाया, मगर ये तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसा था। वो वरुण की बातों को नजरअंदाज करते हुए रोजाना जंक फूड खाने लगी
और कुछ दिन और बीतते गए और एक बार फिर से रेशमा के पेट में जोरदार दर्द हुआ और वो चिल्लाने लगी, वरुण वरुण मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। दो लार्ज साइज डबल चिकन पिज्जा ऑर्डर कर देता हूँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रही, मेरे पेट में सच में बहुत दर्द हो रहा है। रेशमा मैं भी मजाक नहीं कर रहा, शायद तुम्हें भूख लगी है इसीलिए मैं पिज्जा ऑर्डर कर रहा हूँ। वैसे भी तुम्हारा तो फेवरेट है ना। मुझे कुछ नहीं खाना। हाय माँ, मुझे जल्दी हॉस्पिटल ले चलो, मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है। अच्छा बाबा ठीक है, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूँ। ऐसा कहकर वरुण जल्दी से एम्बुलेंस बुलाता है और रेशमा को हॉस्पिटल ले जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर वरुण के पास आकर कहते हैं, मिस्टर वरुण मेरे पास दो न्यूज है, एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज, आप कौन सी न्यूज सुनना चाहेंगे? डॉक्टर दोनों ही न्यूज मेरी वाइफ से जुड़ी है, मैं दोनों ही सुनना चाहूँगा। पहले मैं आपको गुड न्यूज देती हूँ, आप कुछ ही महीनों में बाप बनने वाले हैं। और बैड न्यूज ये है कि आपकी वाइफ को पाइल्स हो चुका है और वो कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है। पाइल्स? और रेशमा को? ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर? मिस्टर वरुण आपकी वाइफ को काफी पहले से इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है और यह बढ़ चुका है और साथ ही प्रेगनेंसी कंसीव करने की वजह से उनके वेंस पर प्रेशर बढ़ा और ये पाइल्स में कन्वर्ट हो चुका है। डॉक्टर ये प्रॉब्लम ठीक कैसे होगी? मिस्टर वरुण ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, बिकॉज प्रेगनेंसी में दवाई नहीं खानी चाहिए जो पाइल्स के ट्रीटमेंट में यूज होती है। ये मेडिसिन हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ सकती है जो कि आपके होने वाले बच्चे के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। प्लीज डॉक्टर कोई तो रास्ता होगा। मिस्टर वरुण आपकी वाइफ की पुराने रिपोर्ट देखने के बाद ये पता चला है कि उनका दिल्ली में भी ट्रीटमेंट चल रहा था। डॉक्टर इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। देखिए मिस्टर वरुण, नेचुरल आयुर्वेदिक मेडिसिन और एक्सरसाइज से उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, क्योंकि सर्जिकल मेथड हाईली रिस्की हो सकता है। आप उनका घर पर ही ध्यान रखें, घर पर बना हुआ खाना खिलाएं, फ्रूट्स खिलाएं, एक्सरसाइज करवाएं। सब कुछ ठीक चला तो दो महीने में ही सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी। डॉक्टर के कहे अनुसार वरुण ने रेशमा को अच्छे से देखभाल करके ठीक कर दिया और रेशमा ने भी सारी चीजें फॉलो करी और ठीक हो गई और एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। अब रेशमा बाहर का खाना हमेशा हमेशा के लिए भूल चुकी थी और अब वो लोगों को फास्ट फूड और जंक फूड से बचने की सलाह देती है। रेशमा सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाकर लाखों करोड़ों लोगों को फास्ट फूड से होने वाले नुकसान के बारे में अवेयर कर रही है। सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाने की वजह से उसे कई सारे हेल्थी और ब्यूटी शो से भी एंकरिंग के ऑफर आने लगे हैं। इतनी ज्यादा पॉपुलर होने के बाद उसके आर्टिकल अब न्यूज़पेपर में छपते हैं। इन सब चीजों के अलावा वो एक माँ होने का भी फर्ज अच्छे से निभा रही है। निशा एक बहुत ही चंचल और गुणों से भरपूर लड़की थी। वो बहुत ही छोटी थी जब उसके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था और वो अनाथ हो गई थी, जिसके बाद उसका पालन पोषण उसके चाचा वीर सिंह और चाची ममता देवी ने ही किया, जिनकी खुद की कोई भी संतान नहीं थी। इसीलिए उन्होंने हमेशा ही निशा को अपनी खुद की बेटी समझा और उसे उतना ही प्यार दिया जितना वो अपने खुद के बच्चे को देते, साथ ही उसे पढ़ाया लिखाया। ऐसे ही एक दिन, अरे निशा पुत्र उठ जा, तुझे कॉलेज नहीं जाना। क्या है चाची, 5 मिनट और सोने दो ना। ये लड़के भी ना, अरे उठ जा, टाइम हो गया है बेटा तेरा। अरे लो मेरी माताजी उठ गई, अब तो खुश हो ना। निशा तैयार होके कॉलेज जा रही होती है, तभी रास्ते में वो एक कार से टकरा जाती है और कार में से रोहन नाम का एक बहुत ही हैंडसम लड़का बाहर निकलता है। ओ हेलो मिस्टर, अंधे हो क्या? ओ मैडम, आपको कौन सा दिखता है? अगर गाड़ी चलानी नहीं आती तो घर पे बैठो ना। मैडम जब सड़क पर चलना नहीं आता तो घर पर बैठो ना। हे भगवान, सुबह सुबह इसी पनौती से पाला पड़ना था क्या मेरा? सारा दिन खराब कर दिया मेरा। क्या कहा तुमने? P4 पागल। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। निशा कॉलेज से घर आकर अपने फोन में फेसबुक चलाया करती थी। ऐसे ही एक दिन वो एक अननोन लड़के के कॉन्टेक्ट में आती है। थोड़े ही समय में दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों रात रात भर बैठकर एक दूसरे से चैटिंग किया करते थे। ऐसे ही एक दिन
वो दोनों एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाते हैं। अगली सुबह निशा रेडी होकर पार्क में आ जाती है, जहां पर उसका फेसबुक का दोस्त उससे मिलने आने वाला था। तभी सामने से हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए चलकर आ रहा होता है एक लड़का। वो कोई और नहीं बल्कि वही रोहन होता है जिसकी गाड़ी से पहले निशा टकरा गई थी, और उसे देखकर निशा बहुत ही बुरा सा मुंह बना लेती है। अरे मिस्टर पनौती, आप यहाँ? क्यों, मैं क्यों नहीं हो सकता यहाँ? पार्क तुम्हारे चाचा जी ने बनवाया है क्या? ए चाचा पे मत जाना, समझे? अरे जाओ ना, वैसे भी यहाँ मैं अपनी दोस्त से मिलने आया हूँ, और तुमसे बात कर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। हाँ तो मुझे भी क्या पड़ी है तुम्हारी, जाओ ना। ये तो आप ही जानो मैडम। ओ मिस्टर पनौती, क्या पागल लड़की है यार ये। तभी निशा अपने फेसबुक वाले दोस्त को फोन करती है और सामने खड़ा रोहन फोन उठा लेता है। अरे यार कहाँ हो तुम, मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। तुम क्या, तुम हो वो जिससे मैं यहाँ मिलने आई हूँ, मेरे फेसबुक वाले दोस्त? ओ शिट, शायद बदकिस्मती से वो मैं ही हूँ। हे भगवान, ये क्या है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे मुझे नहीं पता था उस फेसबुक वाली किताब के पीछे तुम हो मिस्टर पनौती। अरे सुनो यार, जो हुआ उसे भूल जाओ, और दिल से सॉरी यार जिस तरह से मैंने तुमसे बात की। वैसे सॉरी मेरी तरफ से भी, मैंने भी तुमसे कुछ खास अच्छे तरीके से बात तो नहीं की कभी। ऐसे ही समय बीतता जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लग जाती है, और वो एक दूसरे को अपने दिल की बात बताने के लिए सीसीडी में मिलते हैं। निशा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहो ना रोहन, क्या हुआ? निशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, I love you। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रोहन, I love you so much। और अब बहुत टाइम हो गया है हमारे रिलेशनशिप को, मैं फाइनली तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी, वो भी पनौती से? यार प्लीज मजाक नहीं, शादी के बाद मैं इंडिया से बाहर शिफ्ट हो जाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। नहीं यार, मैं कुछ सोच रही थी। क्या सब ठीक है ना? सोच रही हूँ कि लाइफ टाइम तुम्हें झेल भी पाऊंगी या नहीं। यार तुम कभी सीरियस नहीं हो सकती क्या? अरे अरे बाबा, मैं बात करती हूँ घर में, मेरे मिस्टर पनौती। निशा अपने चाचा चाची को रोहन के बारे में सब कुछ बता देती है, साथ ही उसकी फोटो भी दिखाती है। निशा के चाचा चाची रोहन को बहुत पसंद कर लेते हैं। वो लोग रोहन को अपने घर पर रिश्ता पक्का करने के लिए बुलाते हैं। जी नमस्ते चाचा चाची जी। बैठिए बेटा जी। रोहन बेटा, तुम्हारे घर में तुम्हारे अलावा और कौन कौन है? जी मैं अकेला हूँ, और मेरे पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। ओह माफ करना मुझे बच्चे। जी कोई बात नहीं। वैसे आप करते क्या हो बेटा? आपकी बेटी से प्यार। जी सुनाई नहीं दिया बेटा जी, दोबारा बोलो। जी वो सिडनी में जॉब करता हूँ, और अब वहीं शिफ्ट हो जाऊंगा। ठीक है बेटा। इस तरह परिवार वाले निशा और रोहन का रिश्ता पक्का कर देते हैं, और थोड़े ही समय बाद दोनों की बड़े ही धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों सिडनी शिफ्ट हो जाते हैं। रोहन भी मन लगाकर वहाँ अपने ऑफिस में काम करता, तो वहीं दूसरी तरफ निशा ने भी अपने घर की पूरी जिम्मेदारी अच्छे से संभाल ली थी, साथ ही वो वहाँ की वेशभूषा को भी अपना लेती है। और ऐसे ही एक दिन, डार्लिंग उठ जाओ ना, ऑफिस नहीं जाना है क्या? जाना है यार, तुम मेरा लंच बना दो, जब तक मैं आता हूँ नहा के। ओके अच्छा चलो बताओ क्या बनाऊँ तुम्हारे लिए नाश्ते में? कुछ भी टेस्टी सा। लिट्टी चोखा खाओगे क्या? क्या लिट्टी चोखा, ये क्या होता है? मेरे प्यारे पति देव, आ बस आम खाइए, गुठलियों को मत गिनिए। निशा जल्दी से रोहन के लिए लंच बनाती है, और वो उसमें उसके लिए लिट्टी चोखा तैयार करके उसके ऑफिस भेज देती है। रोहन ऑफिस में अपने दोस्तों के साथ बैठकर लंच करता है, जहां सभी लोग निशा का बनाया लिट्टी चोखा खाते हैं और उसकी खूब तारीफ करते हैं और उसके फैन बन जाते हैं। वक्त बीतता जाता है, निशा के बनाए हुए लिट्टी चोखे का टेस्ट ऑफिस के सभी लोगों के जुबान पर आ जाता है। ऐसे ही एक दिन, अरे रोहन आप आ गए,
मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या हुआ, बात क्या है, बोलो। वो मैं सोच रही थी कि मैं सारा दिन घर पर बोर हो जाती हूँ और मेरे पास करने के लिए कुछ काम भी नहीं है। क्यों ना मैं अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लूं, जहाँ पर मैं लिट्टी चोखा बनाकर सेल करूं। सोचा तो बहुत ही अच्छा है तुमने। वैसे भी तुम्हारे हाथ का टेस्ट सबको पसंद भी तो आता है। तो फिर ठीक है, मिशन इंडियन फूड कल से ही शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद निशा अपना छोटा सा एक रेस्टोरेंट खोल लेती है। वो रोज सुबह जल्दी उठकर लिट्टी बनाती और फिर उनको कोयलों पर पकाती। धीरे धीरे उसका लिट्टी चोखा और भी ज्यादा मशहूर होने लगा था और उनका छोटा सा रेस्टोरेंट एक बड़े होटल में बदल जाता है। अब वो और भी कई सारे इंडियन फूड्स जैसे कि अप्पे, दाल बाटी, डोसा जैसे आदि चीजें बनाने लगती है। वक्त बीतता जाता है और चीजों की बढ़ती डिमांड के चलते वो अपने कस्टमर्स को होम डिलीवरी देना भी शुरू कर देती है। साथ ही वो फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए नई नई रेसिपीज को भी लोगों के साथ शेयर करती थी। ऐसे ही एक दिन उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और वो जल्दी से ये बात रोहन को जाकर बताती है। रोहन, आई एम प्रेग्नेंट। ओह सच में निशा, आई लव यू यार, आज तुमने मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी दे दी। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को प्यार से गले लगा लेते हैं। वक्त बीतता जाता है। अब रोहन भी निशा के साथ मिलकर लिट्टी चोखा बनाने में उसकी मदद करता है। थोड़े ही समय बाद निशा एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और सभी मिलकर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये लिट्टी चोखे वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो इतना ही स्वादिष्ट लिट्टी चोखा बनाती हो? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।